हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में अल्केन, अल्कीन, अल्काइन के प्रॉब्लम को कवर किया हुआ है। इससे रिलेटेड साइक्लोअल्केन, साइक्लोअल्कीन और साइक्लोअल्कान का अध्ययन हम लोग आगे वीडियो लेक्चर में करेंगे। तब तक हम लोग कार्बोजाइलिक एसिड से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोजाइलिक एसिड। उसमें से सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे कार्बोजाइलिक एसिड, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। तो देखो, दो बार वीडियो बना चुके हैं, सब रेड रेड दिखाई दे रहा है, सब सब समझा चुके हैं, लेकिन लास्ट में पता चला कि वीडियो स्टार्ट नहीं था। वीडियो स्टार्ट था लेकिन अचानक रुक गया था, कोई टेक्निकल इशू था, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं। तो इसका सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सफिक्स क्या होता है। सफिक्स क्या होता है? ओइक एसिड। सफिक्स क्या होता है? ओइक एसिड। अगर नाम के लास्ट में ओइक एसिड प्रेजेंट है, जिसका मतलब क्या है कि उसमें कार्बोजाइलिक एसिड का समूह उपस्थित है, मतलब फंक्शनल ग्रुप। इसका फंक्शनल ग्रुप होता है सी ओ एच, एकदम याद रहना चाहिए, सी डबल ओ एच। पूछेगा निम्न से कौन कार्बोजाइलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप होता है? सी ओ ओ एच। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि सी ओ ओ एच, ये भी क्या है? कार्बोजाइलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। इसका जनरल स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है? आर सी ओ एच, मतलब आर के जगह पर कोई भी अल्काइल ग्रुप रख सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ठीक है। तो इसका जनरल स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है? आर सी डबल ओ एच। डिफिनीशन, वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें सी ओ एच ग्रुप फंक्शनल ग्रुप के रूप में उपस्थित रहता है या कार्य करता है, उसे कार्बोजाइलिक एसिड कहा जाता है, ठीक है। जिसमें सी ओ डबल ओ एच ग्रुप फंक्शनल ग्रुप के रूप में उपस्थित रहेगा या फिर कार्य करेगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? कार्बोजाइलिक एसिड। एग्जाम्पल आप समझ सकते हो, देखो यहाँ पर सी ओ एच ग्रुप प्रेजेंट है, तो क्या है? कार्बोजाइलिक एसिड है। सी ओ एच, सी ओ एच ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये क्या है? कार्बोजाइलिक एसिड है। यहाँ पे भी देखो सी ओ एच ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या है कि कार्बोजाइलिक एसिड है। एग्जाम्पल आप एक भी लिख सकते हो, पूरा भी लिख सकते हो, अपने से भी बना भी सकते हो। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कार्बोजाइलिक एसिड, ठीक है। ये दो प्रकार का होता है, एलिफैटिक कार्बोजाइलिक एसिड और एरोमेटिक कार्बोजाइलिक एसिड, ठीक है। तो एलिफैटिक का मतलब क्या होता है? ओपन चैन प्लस कार्बोजाइलिक एसिड का समूह उपस्थित होना चाहिए। और एरोमेटिक का मतलब क्या होता है? ये क्लोज चेन प्लस सी ओ एच ग्रुप उपस्थित होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? ओपन चेन प्लस सी ओ एच ग्रुप होना चाहिए। इसमें आप देखो, ये पूरा ओवरऑल इसमें सी ओ एच ग्रुप प्रेजेंट है लेकिन ओपन चेन दिखाई दे रहा है, खुला दिखाई दे रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल कितने बना सकते हो? और इसमें देखो क्लोज चेन दिखाई दे रहा है, रिंग दिखाई दे रहा है, ये रिंग दिखाई दे रहा है, ये सब क्या है? क्लोज चेन है। जो भी ब्लैक कलर का है वही स्ट्रक्चर उतारना है, बाकी हम समझाने के लिए पहले बता चुके हैं, इसलिए थोड़ा कंजेस्टेड हो गया। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? जैसे एक और एग्जाम्पल देख सकते हो, यहाँ पे क्या लगा दे? सी ओ एच। यहाँ पे भी क्या लगा दे? सी ओ एच। यहाँ पे भी क्या लगा दे? सी ओ एच। ये भी क्या है? एरोमेटिक कार्बोजाइलिक एसिड है। फिर इस टाइप्स ऑफ कार्बोजाइलिक एसिड पे बात करते हैं कि इसको चार वर्गों में डिवाइड किया जाता है। पहला को बोलते हैं कि मोनो कार्बोजाइलिक एसिड, दूसरा को बोलते हैं डाई कार्बोजाइलिक एसिड, तीसरा को बोलते हैं ट्राई कार्बोजाइलिक एसिड और चौथा को बोलते हैं पॉली कार्बोजाइलिक एसिड। देखो मोनो का मतलब होता है कि इसमें सी ओ एच ग्रुप कितना प्रेजेंट रहेगा? एक, कंटेन वन सी ओ एच ग्रुप। डाई कार्बोजाइलिक एसिड का मतलब होता है इसमें कंटेन टू सी ओ एच ग्रुप, सी एच ग्रुप, मतलब सी ओ एच ग्रुप उसमें कितना प्रेजेंट होगा? दो प्रेजेंट होगा। ट्राई कार्बोजाइलिक एसिड का मतलब होता है कंटेन थ्री सी ओ एच ग्रुप, मतलब उसमें सी डब्ल्यू एच ग्रुप कितना प्रेजेंट रहेगा? तीन, एक दो तीन, कितना प्रेजेंट है? तीन सी ओ एच ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। उससे आगे देखते हैं हम लोग पॉली कार्बोजाइलिक एसिड, इसका मतलब होता है मोर देन थ्री, मतलब कार्बोजाइलिक एसिड का समूह कितना प्रेजेंट होगा? तीन से तीन नहीं, मोर देन थ्री, मतलब तीन नहीं प्रेजेंट होगा, तीन से ज़्यादा प्रेजेंट होगा। कितना? तीन से ज़्यादा प्रेजेंट होगा, ठीक है। चार भी रह सकता है, जैसे यहाँ पर देखो एक दो तीन चार सी ओ एच ग्रुप प्रेजेंट है। इसका बहुत सारे एग्जाम्पल आप भी बना सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो सी डबल बॉन्ड ओ एच, यहाँ पर एक लगा दो, एक यहाँ पर सी ओ एच ग्रुप लगा दो, एक यहाँ पे सी ओ एच ग्रुप लगा दो, एक यहाँ पे सी ओ एच ग्रुप लगा दो, तो कितना दिखाई दे रहा है? एक दो तीन चार, चार सी ओ एच ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो पहला क्या था? मोनो कार्बोजाइलिक एसिड जिसमें सी ओ एच ग्रुप एक प्रेजेंट रहेगा। दूसरा था डाई कार्बोजाइलिक एसिड जिसमें सी ओ एच ग्रुप दो प्रेजेंट रहेगा। उसके बाद ट्राई कार्बोजाइलिक एसिड जिसमें सी डब्ल्यू एच ग्रुप तीन प्रेजेंट रहेगा। उसके बाद पॉली कार्बोजाइलिक एसिड, मतलब मोर देन थ्री सी ओ एच ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, तीन से ज़्यादा, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ याद रखने वाली है, ये एकदम याद रहना चाहिए। सी एन एच टू एन ओ टू, जनरल मॉलिकुलर फार्मूला मोनोकार्बोजाइलिक एसिड का क्या होता है? सी एन एच टू एन ओ टू। जहाँ जहाँ याद रखें एकदम याद होना चाहिए। देखो नोमेनक्लेचर के माध्यम से देखा जाए तो मोनोकार्बोजाइलिक एसिड और डाई कार्बोजाइलिक एसिड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। अब देखो इसका होता है सी एन एच टू एन ओ टू, जनरल मॉलिकुलर फार्मूला बना सकते हो, कोई भी एग्जाम्पल ले जाओ। सी एच थ्री सी ओ एच लिए हैं, ये सब समझा चुके हैं, फिर से बना रहे हैं, इसे लिखा हुआ मिल रहा है, ठीक है।
तो ये क्या हो जाएगा, कार्बन कितना प्रेजेंट है, एक है एक दो, तो C2, H कितना प्रेजेंट है, तीन है एक चार, तो H4, और ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है, एक एक दो O2, तो C2H4O2 क्या कितना है, C2H4O2। अब देखो ठीक है, इसमें कार्बन कितना प्रेजेंट है, दो, हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट है, चार, ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है, दो। ठीक है, अगर हम इसको N मान लें कार्बन को, कि कार्बन N नंबर ऑफ प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, ये दो है, तो दोगुना से कितना ज़्यादा हो रहा है, या फिर दोगुना हो रहा है, या फिर दोगुना से कम हो रहा है, तो यहाँ पे दोगुना हो रहा है। तो अगर हम लोग कार्बन को एन मानते हैं, तो इसको क्या मानना पड़ेगा, 2N, क्योंकि दोगुना है ओ टू, तो क्या हो जाएगा, CnH2nO2। तो बहुत सारा जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप इसे बना सकते हो। चलो आगे देखते हैं, देखो ये सभी समझा चुके थे। नोट, लॉन्ग चेन मोनोकार्बोजाइलिक एसिड 12 से 18 को, मोनोकार्बोजाइलिक एसिड, मोनो मोनो, तो मोनोकार्बोजाइलिक एसिड 12 से 18 को क्या कहते हैं, फैटी एसिड। जहाँ भी कार्बन 12 से 18 दिखा और उसमें CH ग्रुप कितना प्रेजेंट, एक, तो क्या हो जाएगा, फैटी एसिड बोलते हैं, क्योंकि इसको जल अपघटन करने के फलस्वरूप हम लोग को फैटी एसिड प्राप्त होता है। ठीक है, इसलिए इसको फैटी एसिड कहा जाता है। ठीक है, अब देखो C17H माइनस C OH, इसको बोलते हैं स्टेरिक एसिड, नीचे वाले को बोलते हैं पामिटिक एसिड, ये ए है, क्या बोलते हैं, पामिटिक एसिड। ये दोनों क्या है, फैटी एसिड है। कार्बन कितना दिखाई दे रहा है, 17, इसमें कितना दिखाई दे रहा है, 15, तो 12 से 18 के बीच है, इसमें 15, इसमें 17, तो ये दोनों क्या है, फैटी एसिड है। ठीक है, अब बात करते हैं नेमिंग ऑफ मोनोकार्बोजाइलिक एसिड, क्या नेमिंग ऑफ मोनोकार्बोजाइलिक एसिड। ठीक है, एक मिनट देखते हैं इसको। देखो अल्केन, सबसे पहले लिखेंगे अल्केन, उसमें जोड़ देंगे ओइक एसिड, क्या जोड़ेंगे, ओइक एसिड। अब देखो पहले बताए थे कि नाम के लास्ट में भवेल आ जाए या नाम के शुरू में भवेल आ जाए सफिक्स के, तो पहले वाले भवेल को हटा दिया जाता है, तो ई को क्या करेंगे, हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, अल्केन में क्या जोड़ देंगे, ओइक एसिड, क्या जोड़ देंगे, ओइक एसिड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अल्केनोइक एसिड। अगर एक कार्बन होगा तो मीथेन लिखेंगे, हो जाएगा मीथेनोइक एसिड, दो कार्बन रहेगा तो इथेनोइक एसिड, तीन कार्बन रहेगा तो प्रोपेनोइक एसिड, चार कार्बन रहेगा तो ब्यूटेनोइक एसिड, इसी प्रकार लिखते चलेंगे। ठीक है, देखो कॉमन नेम लिखने का कोई तरीका नहीं है, बस इतना मालूम है कि ईक एसिड उपस्थित रहेगा लास्ट में, लास्ट में क्या उपस्थित रहेगा, ईक एसिड। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो कार्बन कितना है, इसमें एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, मीथेन, ई नहीं लिखेंगे, मीथेन, उसमें क्या जोड़ देंगे, ओइक एसिड, तो नाम क्या हो गया, मीथेनोइक एसिड। एकदम याद रहना चाहिए, याद, इसी को कहते हैं, इसी का कॉमन नेम क्या होता है, फॉर्मिक एसिड, चींटी के डंग, नेटल का डंग या मधुमक्खी का डंग में कौन सा एसिड उपस्थित रहता है, फॉर्मिक एसिड, एकदम याद रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखो नंबरिंग हमेशा यहीं से करेंगे जहाँ से फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट है, तो 1, 2, तो दो कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, इथेन, क्या लिखेंगे, इथेन, उसमें क्या जोड़ देंगे, ओइक एसिड, क्या जोड़ देंगे, ओइक एसिड, तो क्या हो गया, इथेनोइक एसिड। इसी का कॉमन नेम होता है एसिटिक एसिड, क्या नाम होता है, कॉमन नेम एसिटिक एसिड, एकदम याद रहना चाहिए, एसिटिक एसिड। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि सिरका का मुख्य अवयव क्या होता है, तो क्या होता है, एसिटिक एसिड, ऑप्शन में इथेनोइक एसिड भी दे सकता है। ठीक है, तो ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 1, 2, 3, तीन कार्बन प्रेजेंट है, तीन कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, प्रोपेन, और उसमें क्या जोड़ देंगे, ओइक एसिड, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड, और कॉमन नेम इसका होता है प्रोपायोनिक एसिड, क्या होता है, प्रोपायोनिक एसिड। ठीक है, आगे देखते हैं, 1, 2, 3, 4, नंबरिंग हमेशा यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ से फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट है, चार कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ब्यूटेन, क्या लिखेंगे, ब्यूटेन, उसमें क्या जोड़ देंगे, ओइक एसिड, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड। इसी का कॉमन नेम होता है ब्यूटारिक एसिड, क्या होता है, ब्यूटारिक एसिड, एकदम याद, आगे इसका यूज करेंगे हम लोग। यहाँ पर देखो 1, 2, 3, 4, 5, पाँच कार्बन है तो क्या लिखेंगे, पेंटेन, क्या लिखेंगे, पेंटेन, और उसमें क्या जोड़ देंगे, ओइक एसिड, क्या हो जाएगा, पेंटेनोइक एसिड। इसी का कॉमन नेम होता है वैलेरिक एसिड, क्या होता है, वैलेरिक एसिड, याद, एकदम याद रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, छः कार्बन के लिए क्या लिख देंगे, हेक्सेन, और उसमें क्या जोड़ देंगे, ओइक एसिड। ओइक एसिड क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि ये प्रेजेंट है, कार्बोजाइलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, जिसका फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा उसका सफिक्स जोड़ेंगे। इसी का कॉमन नेम होता है कैप्रोइक एसिड, क्या होता है, कैप्रोइक एसिड। तो कम से कम इसमें आप लोगों को अगर लो लेवल पर जाना है तो दो कॉमन नेम याद होना चाहिए, अगर कुछ अच्छे लेवल पर जाना है तो सबका कॉमन नेम याद होना चाहिए। ठीक है, इसका नाम लिख लोगे आप। चलो आगे चलते हैं, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ पे देखो तुम, एक मिनट, यहाँ पे देखो कितना कार्बन प्रेजेंट है, एक, दो। नंबरिंग हमेशा कहाँ से स्टार्ट करेंगे, फंक्शनल ग्रुप से, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, फंक्शनल ग्रुप से हम स्टार्ट करेंगे। ये क्या हो गया हम लोगों का, लंबा चेन हो गया, ये क्या हो गया, लंबा चेन हो गया, तो टू पे कौन सा ग्रुप है, मिथाइल,
कौन सा ग्रुप है? मिथाइल। तो नाम क्या लिखेंगे इसका? देखो यहाँ पे टू मिथाइल, क्या लिखेंगे? टू पे कौन सा ग्रुप? मिथाइल। तो क्या लिख दिए? टू मिथाइल। अब कितना कार्बन है इसमें? तीन कार्बन। तो तीन कार्बन, तीन कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? प्रोपेन। क्या लिखेंगे? प्रोपेन। और उसमें क्या जोड़ देंगे? ओइक एसिड। क्या जोड़ देंगे? ओइक एसिड। तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक एसिड। टू मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। इसी प्रकार इसका नाम लिख सकते हो थ्री पे क्या? मिथाइल। तो क्या हो जाएगा? थ्री मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। इसी प्रकार इसका नाम लिख सकते हो टू पे दो बार मिथाइल ग्रुप है, तो क्या लिखोगे? टू कामा टू डाई मिथाइल, तीन कार्बन है तो लिखोगे प्रोपेन, और उसमें क्या जोड़ दोगे? ओइक एसिड। तो क्या हो जाएगा? टू कामा टू डाई मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। अब देखो कॉमन नेम कैसे लिखोगे। देखो पूरा सिस्टम को बोलते हैं हम लोग आइसो। पूरा सिस्टम को क्या बोलते हैं? आइसो। कितने कार्बन है? चार। तो चार कार्बन वाले मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम क्या होता है? देखो तो चार कार्बन वाले मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम क्या होता है? ब्यूटारिक एसिड। तो क्या नाम हो जाएगा? आइसो ब्यूटारिक एसिड। ठीक है, दूसरा तरीका देखो, इसमें मिथाइल ग्रुप कितना प्रेजेंट है? एक और एक, दो। दो मिथाइल के लिए क्या लिखेंगे? डाई मिथाइल। इतना का तो नाम लिख लें, कितना कार्बन बचा? दो कार्बन बचा। दो कार्बन के कॉमन नेम क्या होता है? एसिटिक एसिड। यहाँ पे देखो दो कार्बन वाले मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम क्या होता है? यहाँ पे देखो एसिटिक एसिड। इसलिए बताएं कि नाम एकदम याद रहना चाहिए। नाम याद नहीं रहेगा, देखो दो कार्बन था, दो कार्बन वाले मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम क्या होता है? एसिटिक एसिड। चार कार्बन के लिए ब्यूटायरिक एसिड, पांच कार्बन के लिए वैलेरिक एसिड। इसी का यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये तो नाम समझ लिए। डाई मिथाइल, इसके लिए क्या लिख दें? डाई मिथाइल, दो कार्बन के लिए एसिटिक एसिड, कॉमन नेम में कॉमन नेम का यूज करेंगे। ठीक है, तीसरा तरीका क्या है? यहाँ पे देखो ये फंक्शनल ग्रुप नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन। ये कौन सा कार्बन? अल्फा कार्बन। इसको मानेंगे अल्फा कार्बन, तो अल्फा अल्फा पे कौन सा ग्रुप है? यहाँ पे देखो तो अल्फा पे मिथाइल है, तो नाम क्या हो जाएगा? अल्फा मिथाइल। कितना कार्बन बच गया? एक दो तीन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपायोनिक एसिड। कॉमन नेम क्या होता है? प्रोपायोनिक एसिड। ठीक है, तो आप इतना का स्क्रीन शॉट लो, हम लोग आगे चलते हैं। इसी प्रकार ये देखो, ये तो बना लोगे। इसी प्रकार पूरा सिस्टम को क्या कहते हैं? आइसो। सेकेंड लास्ट कार्बन के ऊपर नीचे ब्रांचिंग है, तो आइसो। पांच कार्बन है तो उसके लिए वैलेरिक एसिड यूज करते हैं, तो कॉमन नेम क्या हो गया? आइसो वैलेरिक एसिड। उसी प्रकार यहाँ पे देखो ये अल्फा ये बीटा, तो बीटा मिथाइल है, चार कार्बन है तो ब्यूटारिक एसिड हो जाएगा कॉमन नेम। तो क्या हो जाएगा? बीटा मिथाइल ब्यूटारिक एसिड। अब देखो इसमें मिथाइल ग्रुप कितना प्रेजेंट है? दो, एक और एक, दो। कितना मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है? दो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो नाम क्या हो जाएगा? डाई मिथाइल। उसके बाद कितना कार्बन बच गया? तीन। तो क्या नाम हो जाएगा? प्रोपायोनिक एसिड। तो नाम क्या हो जाएगा? डाई मिथाइल प्रोपायोनिक एसिड। कॉमन नेम कभी भी नहीं पूछेगा आपसे, आईयूपीएससी नाम आना चाहिए, नॉलेज के लिए कॉमन नेम बता रहे हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखो, अब हम लोग बात करते हैं नेमिंग ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड पे। ठीक है, इसका तो ना कॉमन नेम आप लिख लोगे। देखो यहाँ पे पूरा सिस्टम को हम लोग बोलते हैं नियो। क्या बोलते हैं? नियो। पांच कार्बन है तो उसका कॉमन नेम हो जाता है वैलेरिक एसिड। क्या होता है? यहाँ पे देखो पांच कार्बन के लिए कॉमन नेम क्या होता है? वैलेरिक एसिड। ये याद रहना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? नियो वैलेरिक एसिड। दूसरा तरीका क्या है? मिथाइल ग्रुप कितना प्रेजेंट है? एक दो तीन, तीन मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। ये सी एच थ्री है, ये सी एच थ्री है, सी एच थ्री है। तो मिथाइल ग्रुप कितना प्रेजेंट? तीन। तो नाम क्या हो जाएगा? ट्राई मिथाइल। तो क्या लिख दें? ट्राई मिथाइल। अब दो कार्बन न बच गया, तो दो कार्बन का कॉमन नेम क्या होता है? एसिटिक एसिड, जो पहले अभी बताए हैं। एकदम याद रहना चाहिए, बार बार यूज आएगा, जब तक एल्डिहाइड खत्म नहीं होगा, जब तक रिएक्शन खत्म नहीं होगा, जब तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म नहीं होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा इसका? चलो ये यहाँ तक देख लिए। अब हम लोग बात करते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड पे। किस पे? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड पे। देखो यहाँ पे पहले हम लोग क्या लिखते थे? अल्केन में क्या जोड़ते थे? ओइक एसिड। अब देखो यहाँ पे अब क्या लिखेंगे? अल्केन एक्स कामा वाई डाई ओइक एसिड। अब यहाँ पे देखो एक्स कामा क्या है? पोजिशन ऑफ सी ओ एच ग्रुप। किसका? सी ओ एच ग्रुप का पोजिशन है, मतलब सी ओ एच ग्रुप का पोजिशन जो भी रहेगा वहाँ पे एक्स कामा वाई पर रखेंगे। ठीक है, एक्स कामा वाई क्या है? सी ओ एच ग्रुप का पोजिशन। ठीक है, इसी प्रकार इसका नाम लिखेंगे। नाम बहुत आसान है, आईपीएससी नेम इसका कम से कम आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितना कार्बन प्रेजेंट है? एक, एक दो। तो कितना कार्बन प्रेजेंट है? दो। तो अल्केन का जगह पर क्या लिखेंगे? इथेन। एक्स का मावाई का जगह पर क्या लिखेंगे? एक, एक पे प्रेजेंट है, एक दो पे प्रेजेंट है, तो क्या लिखेंगे? वन का मा टू इथेन, वन का मा टू, दो बार है तो डाई ओइक एसिड। एक्स का मावाई क्या है? पोजिशन ऑफ सी एच ग्रुप। जितना पोजिशन आता जाएगा सी एच ग्रुप का उसको लिखते चलेंगे। ठीक है, इसी को पूरे दुनिया में ऑक्सैलिक एसिड के नाम से जाना जाता है, जो टमाटर में पाया जाता है, एकदम याद रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखो नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से इधर जाओ या फिर यहाँ से इधर जाओ, नाम एक ही आएगा। यहाँ पर देखो तीन कार्बन है तो क्या लिखेंगे? प्रोपेन। अल्केन के जगह पर क्या लिखेंगे? प्रोपेन। पोजिशन कितना पे? एक, एक पे प्रेजेंट है, थ्री प्रेजेंट है, तो क्या लिखेंगे? वन का मा थ्री डाइगोइक एसिड।
क्या हो जाएगा, प्रोपेन वन का मथिल डाइयोइक एसिड, इसी को पूरे दुनिया में माइलोनिक एसिड से नाम से जाना जाता है। किस नाम से? माइलोनिक एसिड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 नंबरिंग यहाँ से भी कर सकते हो, 1 2 3 4 नाम एक ही आएगा। चार कार्बन के लिए ब्यूटेन लिख दिए, पोजीशन एक एक पे था, एक चार पे था, तो क्या लिख दिया, 1,4, दो बार है तो डाई, और सफिक्स क्या देख लेंगे, सफिक्स क्या लगाएंगे, ओइक एसिड, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक एसिड। इसी को पूरे दुनिया में सक्सिनिक एसिड के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सक्सिनिक एसिड के नाम से जानते हैं। ठीक है, IUPAC में आपको आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ पर देखो इसमें कितना कार्बन है, नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं, यहाँ से इधर या फिर यहाँ से इधर, 1 2 3 4 5 नंबरिंग कर चुके हैं पहले, तो क्या हो जाएगा, पांच कार्बन के लिए पेंटेन। ठीक, एक एक पे है, कितना पे है, पांच पे है, तो 1,5 डाई, दो बार जुड़ा है तो डाई ओइक एसिड, सफिक्स क्या लग जाएगा, ओइक एसिड। अब देखो यहाँ पे ई क्यों नहीं हटाए हम, क्योंकि यहाँ पे कंसोनेंट आया है, डी आया है। अगर यहाँ पे भवेल आता या सेमी भवेल आता तो भाई इसको तो हटाना पड़ता ई को, लेकिन यहाँ पे नहीं हटाए हैं क्योंकि यहाँ पे डी आया है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसका इसी को पूरे दुनिया में ग्लूटेरिक एसिड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? ग्लूटेरिक एसिड के नाम से जाना जाता है, एकदम याद रहना चाहिए। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे इसका नाम लिख लोगे आप, छः कार्बन प्रेजेंट है, तो क्या आ जाएगा, छः कार्बन के लिए हेक्सेन, एक एक पे है, एक सिक्स पे है, एक मतलब वन पे, एक सिक्स पे है, तो क्या आ जाएगा, 1,6 डाई, और उसमें क्या लगा देंगे, ओइक एसिड, तो नाम क्या हो जाएगा, डाई ओइक एसिड। इसी को पूरे दुनिया में ADP के एसिड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? ADP के एसिड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका नाम आप खुद प्रैक्टिस करना। इसका कॉमन नेम होता है पाइमेलिक एसिड। क्या नाम होता है? पाइमेलिक एसिड। ठीक है, तो ये सब कॉमन नेम याद रखने के लिए हम एक ट्रिक बताए थे, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड तो रटना पड़ेगा, अगर वो रट लिए तो आप समझो कि कार्बोक्सिलिक एसिड के मास्टर हो गए, फिर एल्डिहाइड का भी मास्टर हो गए, और सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का भी मास्टर हो गए, तीनों का नाम आपको खटक खटक आएगा। ठीक है, इसको देखो, पहला को बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड, उसके बाद मेलोनिक एसिड, उसके बाद सक्सिनिक एसिड, उसके बाद ग्लूटारिक एसिड, उसके बाद ADP के एसिड, उसके बाद पेमेलिक एसिड। ठीक है, देखो ओ से ओ, एम से मेरे, सी एस से सनम, जी से घर, ए से आजा, पी से परदेश से। ओ मेरे सनम, घर, आजा, परदेश से। आजा तू भी लगा सकते हो, आजा तू परदेश से, या फिर इंग्लिश में याद रखना है तो ऐसे लिख सकते हो, ओ माई स्टूडेंट गो एंड प्ले। ठीक है, ये ट्रिक है याद रखने का। ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को घर पे बनाना है SW के तौर पे। ये देखो क्वेश्चन ये बना लोगे आप। अब देखो अगर ये प्रेजेंट नहीं रहता तो हम लोग नंबरिंग कहीं से भी करते हैं। ये ग्रुप अगर प्रेजेंट नहीं रहता तो नंबरिंग हम लोग कहीं से भी करते हैं। यहाँ से करते तो सेम ही आता, यहाँ से करते तो सेम ही आता, लेकिन नंबरिंग हम लोग यहाँ से करेंगे इसलिए देखो यहाँ पे, क्योंकि ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ से दो पे पड़ता है, यहाँ से 1 2 3 पे पड़ता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2-methyl। नाम क्या हो जाएगा, 2-methyl। चार कार्बन है तो लिखेंगे ब्यूटेन, एक एक पे है, चार पे है तो लिखेंगे 1,4, दो बार है तो लिखेंगे डाई, सफिक्स क्या जोड़ देंगे, ओइक एसिड। इसी प्रकार आप इसका नाम लिख लेना, क्या हो जाएगा, नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं। यहाँ से 2 पे 3 पे आएगा, इधर से भी करोगे 2 पे 3 पे आएगा, तो इसका नाम आप लोग घर पे लिख लेना। ये देखो इसका भी नाम आप लोग घर पे लिख लेना, ठीक है, प्रैक्टिस के तौर पे। ठीक है, जब तक प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आप लोग IUPAC एग्जाम दे सकते हो किसी का भी। ठीक है, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी का भी, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्काइल, अल्किनाइल, कुछ भी हो, ठीक है, उसका नाम आप लोग आसानी से दे सकते हो। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड पे। किसके? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड पे। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, उसका नाम आप लोगों को आना चाहिए। किसका? मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ठीक है, नेमिंग ऑफ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, नेमिंग ऑफ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो यदि तीन या तीन से अधिक CH ग्रुप डायरेक्ट पेरेंट चैन से जुड़ा हो तो उसे पेरेंट चैन में शामिल नहीं किया जाता है तथा इसके लिए सफिक्स, अभी तक हम लोग क्या लगा रहे थे, ओइक एसिड, अब क्या लगाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लगाएंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड, याद रखना। तीन या तीन से ज़्यादा आ गया CH ग्रुप तो उसके लिए सफिक्स क्या लगाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसको पेरेंट चैन में शामिल नहीं करेंगे, पेरेंट चैन में शामिल नहीं करेंगे, मतलब वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट नहीं करेंगे, उसे नेक्स्ट कार्बन से करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 CH ग्रुप प्रेजेंट है, 1 2 3, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से, उसे नेक्स्ट कार्बन से, उसको पेरेंट चैन में शामिल नहीं करेंगे। तो लंबा चैन कौन हो गया, ये हो गया, तो क्या हो जाएगा नाम, प्रोपेन, तीन कार्बन है तो प्रोपेन, एक एक पे है, दो पे है, तीन पे है, तो क्या लिखेंगे, 1,2,3, और तीन भर है तो ट्राई, और सफिक्स का लगाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, ओइक एसिड नहीं लगाएंगे, सफिक्स का लगेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब देखो हम लोगों के बाप दादा क्या पढ़े इसको, ये मॉडर्न नेम है, इसको बोलते हैं हम लोग क्लासिकल नेम, जो पहले हम लोगों के बाप दादा पढ़ कर आए हैं।
ठीक है। वो लोग पहले क्या करता था, बेवकूफ़ था पहले, तो ये लोग क्या करता था, पहले इसको पूरा पेरेंट चेन मान लेकर शामिल कर लेता था, पूरा लंबा चेन कहाँ से लेता था इसको, और इसको ग्रुप छोड़ देता था एक जो 3 नंबर पे है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सी। जब ये सब्सट्यूएंट का काम करता है तो इसका सफिक्स होता है ओइक एसिड, लेकिन जब ये ग्रुप या सब्सट्यूएंट का काम करता है, सॉरी, जब ये पेरेंट चेन का काम करता है तो इसका सफिक्स होता है ओइक एसिड, जो हम लोग अभी इससे पहले पढ़े। लेकिन जब ये ग्रुप का काम करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड जब ग्रुप का काम करता है तो इसका प्रीफिक्स हो जाता है कार्बोक्सी। क्या होता है, कार्बोक्सी। जैसे OH को बोलते हैं हाइड्रोक्सी, CN को बोलते हैं साइनो, NH2 को बोलते हैं अमीनो, जैसे CHO को बोलते हैं ऑल्डो या फरमाइल, उसी प्रकार COH को क्या बोलते हैं, COOH को कार्बोक्सी। क्या बोलते हैं, कार्बोक्सी, याद रखना चाहिए, ठीक है, याद रखना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, 3 कार्बोक्सी, 5 कार्बन है तो पेंटेन, एक एक पे है, एक पाँच पे है तो पेंटेन, 1,5 और 2 बार है तो डाई, ऐसा फिक्स क्या लगेगा, ओइक एसिड। अब यहाँ पे ओइक एसिड क्यों लगाए हैं, क्योंकि पेरेंट चेन में 2 ही COH ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे कितना प्रेजेंट था, 3, तो इसके लिए लगाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके लिए लगाएंगे ओइक एसिड। ये नेम आप लोग खुद घर पे कर लेना, चलो बना दिए, देख लो। देखो इसका नाम हम लोग कैसे लिखेंगे, सबसे पहले कितना COH ग्रुप प्रेजेंट है, 1, 2, 3, 4, तो ये तो बात क्लियर हो कि इसको पेरेंट चेन में शामिल नहीं करेंगे, तो नंबरिंग उसे नेक्स्ट कार्बन से करेंगे, यहाँ से फिर यहाँ से, यहाँ से कर सकते हैं या फिर यहाँ से कर सकते हैं। देखो यहाँ से कर रहे हैं तो एक पे एक यहाँ पे कार्बन आ रहा है, 2, 3, 4, 5, तो ग्रुप कितना पड़ रहा है, 3 पे। यहाँ से भी करेंगे तो 1, 2, 3, ग्रुप कितना पड़ेगा, 3 पे, दोनों में साइड में कहीं से भी कर सकते हैं। तो नाम क्या हो जाएगा, 3-मिथाइल, 3 पे कौन सा ग्रुप है, मिथाइल, 5 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, पेंटेन। एगो ग्रुप का कितना पे बा, एक है, एक पे है। दूसरा ग्रुप का कितना पे है, 2 पे है। तीसरा ग्रुप का कितना पे है, 4 पे है। पाँच, चौथा ग्रुप का कितना पे है, 5 पे है, मतलब एक पे है, फिर 2 पे है, फिर 4 पे है, फिर 5 पे है। तो क्या लिखेंगे, पेंटेन 1,2,4,5, 1,2,4,5, 4 बराबर तो टेट्रा, ऐसा फिक्स क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो ये नाम आपको आना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से भी या फिर यहाँ से भी, क्यों, क्योंकि 4 पे दोनों ग्रुप पड़ रहा है। यहाँ पर देखो 1, 2, 3, 4 पे दोनों ग्रुप पड़ रहा है, इस साइड से भी 1, 2, 3, 4, 4 पे ही दोनों ग्रुप पड़ रहा है, ठीक है। अब ये है कार्बोक्सी मिथाइल और ये है इथाइल, तो किसको पहले लिखेंगे, जैसे यहाँ पे देखो COH को क्या बोलते हैं, COH को बोलते हैं कार्बोक्सी, और यहाँ पर CH2 ग्रुप लग गया, तो सपोज यहाँ से अल्काइल ग्रुप है, तो यहाँ पे एक पे क्या हो जाएगा, कार्बोक्सी। तो एक पे जब कोई भी ग्रुप रहता है तो उसको पोजिशन को नहीं लिखा जाता है, तो क्या हो जाएगा, कार्बोक्सी, या CH2 को बोलते हैं मिथाइल, तो क्या हो जाएगा, कार्बोक्सी मिथाइल। यहाँ पे देखो 4 पे है कार्बोक्सी मिथाइल, 4 पे इथाइल, जो अल्फाबेटिकल में पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, 4 कार्बोक्सी मिथाइल, ठीक है। और उसके बाद क्या लिख देंगे, 4 इथाइल, कितना कार्बन है, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कार्बन के लिए हेप्टेन। और ग्रुप का कितना पे है, एगो है एक पे, एगो कितना पे है, 7 पे, तो 1,7 डाई ओइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों नहीं लगाए, क्योंकि 2 ही प्रेजेंट है COH ग्रुप, 3 या 3 से ज़्यादा आएगा तो क्या लगाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब देखो अगर कार्बन का चेन में सी डबल बॉन्ड सी प्रेजेंट है और COH ग्रुप प्रेजेंट है, इससे पहले क्या था, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट था और COH ग्रुप प्रेजेंट था, अब क्या प्रेजेंट रहेगा, सी डबल बॉन्ड सी और COH ग्रुप। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे, ठीक है।